वाला है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं क्या पढ़ेंगे आज हम। डिफरेंस पढ़ेंगे एक पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या है, कौन कौन सी स्टेट नहीं आती, म्यूनिसिपलिटी जो एक्ट है आपका शेड्यूल नंबर 12th है, इनर लाइन परमिट है, उसके बाद अप्सा एक्ट है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 है, सिक्स शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है कुछ स्टेट का। तो हम सारे में डिफरेंस चेक करेंगे कौन कौन सी स्टेट किस में आती है किस में नहीं आती। पहली बात करें पंचायती राज, देखो पंचायती राज में कौन कौन सी स्टेट काउंट नहीं होती। पहली जो स्टेट है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये तो तीन स्टेट जो है कम्प्लीटली इनके अंदर नहीं लागू होता। क्या नहीं लागू होता, इनके अंदर आपका पंचायती राज लागू नहीं होता। दोस्त ऑल जो स्टेट है इन फाइव शेड्यूल, जितनी भी स्टेट आपकी फाइव शेड्यूल में आती है यानी कि इसमें स्टेट की इसमें आती हैं, और दूसरा आपका सिक्स शेड्यूल में जो आती हैं। फाइव शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिस स्टेट में आपकी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है आगे देखेंगे, और सिक्स शेड्यूल में जिसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपकी ये MATM, इसमें क्या लागू नहीं होता है, इसमें आपका लागू नहीं होता है आपका पंचायती राज। एक तो ये होगी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, और जितनी भी स्टेट आपकी मतलब कि जो टेंथ फिफ्थ शेड्यूल में टेंथ स्टेट है उन सारियों में, और आपका सिक्स शेड्यूल में जो फोर स्टेट है उनमें, ठीक है ना। उसके बाद हिल एरिया ऑफ मणिपुर, उसमें भी नहीं होता है। फिर दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, उसके अंदर भी लागू नहीं होता है। अब इन सब के अंदर लागू नहीं होता, पार्लियामेंट ने एक रूल बनाया, पी का मतलब पार्लियामेंट में ऐसे लिखता हूँ, तो पार्लियामेंट ने एक रूल बनाया, उसके लिए पैसा बनाया, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसके अंदर हम रख सकते हैं, तो पैसा एक्ट बनाया इस चीज़ के लिए जिस स्टेट में आपको लागू करना है, कुछ मॉडिफिकेशन कुछ एक्सेप्शनल के साथ, तो आपको नाम याद रखना है किसमें लागू नहीं होता। तो ऐसे ही म्यूनिसिपलिटी वाला है, सेम टू सेम। डिफरेंस क्या है, नॉट अप्लाइड ने शेड्यूल ट्राइबल एरिया इन द स्टेट, यानी कि ये दोनों फिफ्थ शेड्यूल वाली और सिक्स शेड्यूल वाली दोनों में लागू नहीं होता, गोरखा काउंसिल में लागू नहीं होता। अगर करना है तो मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शनल के साथ करेंगे, वो हम आगे देखेंगे तब हम ये पढ़ेंगे सिक्स और फिफ्थ शेड्यूल। तो मैं आपको एक चीज़ का डिफरेंस बता दूँ, जो मणिपुर का हिल एरिया था उसमें लागू होता है, क्या लागू होता है आपका म्यूनिसिपलिटी वाला, और बाकी दोनों में सेम है, बाकी दोनों में पंचायत उसमें सेम है। तो इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बनाया, जैसे इसके लिए पैसा बनाया था, इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बनाया, बस वो एक्सेप्शनल मॉडिफिकेशन के साथ होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन एक्सेप्शनल कौन मॉडिफिकेशन होगा। फिर आता है इनर लाइन परमिट, जब अंग्रेजों के ज़माने से ये है, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट बोलते थे 1873 के, क्योंकि उधर का सारा एरिया टच करता था बॉर्डर से, फिर जापान का बहुत इन्फ्लुएंस था और चाय के बागान थे, उन पर कब्जा करना चाहते थे मतलब अंग्रेज, तो ये लेके आए थे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता था, मतलब ये अलाउड करता था अगर आपको इस स्टेट के अंदर जाना है तो आपको एक तरह का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसे बोलते थे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, अब इनर लाइन परमिट बोलते हैं उसे, तो परमिट लेना पड़ता था अगर आपको प्रोटेक्टेड एरिया में जाना है। जो 1873 में ये तीन स्टेट के अंदर था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के अंदर, पर अभी इसमें रिसेंटली 11 दिसंबर 2020 को इसमें मणिपुर भी ऐड कर दिया गया है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि देखो ये सारी बॉर्डरिंग टच स्टेट है जो इन्हें लाइन परमिट में आती है, जितनी ब्लू ब्लू दिख रही है तो सारी म्यांमार किधर है, इससे टच करती है, तो सबको इसमें छूता है इनर लाइन परमिट, इधर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये है, सारे स्टेट में आता है और ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। तो ये है जो इनर लाइन परमिट है, ये इंडियन सिटीजन को, अगर मैं यूपी से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, मुझे इन स्टेट में जाना है चार में, तो मुझे इनर लाइन परमिट परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। अगर कोई फॉरनर ट्रैवल आए उसके लिए होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, उसे लेना होगा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। तो आप डिफरेंस चेक करने चलना, जैसे देखो मिजोरम में ये भी लगता है, फिर मिजोरम में इसमें तीन डिस्ट्रिक्ट नहीं है, देखो म्यूनिसिपैलिटी में तीनों डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है ना, इसमें अलग सिस्टम है। फिर इसमें फिर आपका मिजोरम आता है इसके अंदर, फिर आता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, जो दंगे वाली स्टेट थी, बॉर्डरिंग टच स्टेट थी, यहाँ पे मतलब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट कौन सा एक्ट लाती है, AFSPA, तो कुछ स्पेशल पावर दी जाती हैं जो मतलब कि आपका पैरामिलिट्री फोर्स होती है या फोर्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको इसको इन्फोर्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसको इन्फोर्स करता है। और स्टेट गवर्नमेंट सजेशन पे, मतलब थोड़े स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं थोड़ी डिस्टर्बेंस है, सेंट्रल बोलती है ठीक है हम यहाँ पे आप क्या लगा रहे हैं, आपका आसपा लगा रहे हैं। स्टेट पूरी स्टेट में लगता है या कुछ पार्ट में भी लगता है, तो पूरी स्टेट में किस में, जैसे पूरी स्टेट होल में किस में, नागालैंड में, पूरी स्टेट में, आसाम में, मणिपुर में, पूरे मणिपुर में एक्सक्लूड 7 असेंबली जो है इंफाल की उनमें नहीं है। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी है, मतलब कुछ पार्ट में अरुणाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के भी कुछ पार्ट में है, ठीक है। फिर
ये एक्ट को ऐसा बोला जाता है जो आपकी आर्म फोर्स होती है वो क्या करती है, मतलब कि वायलेशन करती है, ह्यूमन राइट वायलेशन करती है, प्रॉब्लम करती है लोकल एरिया के पब्लिक है, तो इसको रिपील करने की कई बार बात उठ चुकी है, अगर हटा देना चाहिए। तो बीपी जीवन रेड्डी कमेटी थी 2005 में, उन्होंने भी रिकमेंडेशन किया। उसके बाद वरप्पा मालिया करके कमेटी थी, उसने भी इसको रिपील करने का किया। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हुआ था, मणिपुर में 7 लोगों की डेथ हो गई थी, इल्ज़ाम लगाया था आर्म फोर्स के ऊपर, इन्होंने किल कर दिया, तो उसके लिए कमेटी बनी थी, हीगल कमीशन बनी थी 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। थोड़ा आपको ऐसे याद रखना है, तो कौन कौन सी स्टेट में ये आपको देख लेना है, नागालैंड, आसाम, मणिपुर पूरे में नहीं है, फिर पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। अब आता है मेन जो है 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का है, 6th शेड्यूल है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये एस्टेब्लिश करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC, अरे चार स्टेट में, या MATM पढ़ लो, मैं महात्मा करके याद रखता हूँ, या फिर AMTM करके है, ठीक है ना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, और उसके बाद आता है आपका मिजोरम, इन चार स्टेट के अंदर है आपका 6th शेड्यूल, यानी कि 6 में से माइनस 2 करो तो 4 स्टेट आ जाएंगे, 4 में ये है, तो 4 स्टेट के अंदर है। ये जो 4 स्टेट हैं ये 90% डोमिनेटेड है, ट्राइबल पॉपुलेशन है इन स्टेट के अंदर, तो इनके अंदर इनको किसके अंदर रखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से है, मतलब 6th शेड्यूल है आपका, आपको याद रखना है 4 स्टेट के अंदर है। और जो आर्टिकल 224 ऑफ आर्टिकल 444 है उसका पार्ट 2 और आर्टिकल 275 का ये पावर देता है इस स्टेट को, मतलब स्पेशल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने में। और ये किसने रिकमेंडेशन किया था, उसके लिए बाढ़ दो लोई कमेटी बनी थी, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन की थी। और इसमें जो पावर होती है वो गवर्नर के पास होती है, गवर्नर क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करेगा या रीऑर्गेनाइज करेगा ADC क्या, किस चीज़ की, आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब जो काउंसिल होती है उसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज या उसे रीऑर्गेनाइज करना है, तो वो गवर्नर के हाथ में होती है। इस ADC काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर और 24 इलेक्टेड बाय द एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वहाँ की लोकल जो काउंसिल होगी, मतलब वहाँ की एरिया में काउंसिल होगी, मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी काउंसिल है। देखो ये काउंसिल है सारी, खांसी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इनके लोग चुनते हैं, तो 24 मेंबर इलेक्टेड बनते हैं, 4 नॉमिनेटेड बनते हैं। इनके पास पावर होती है लैंड की, फॉरेस्ट की, कल्टीवेशन की, कस्टम के लॉ की, अपने कलेक्शन रिवेन्यू और टैक्सेस की पावर सारी काउंसिल के पास होती है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो ये आसाम को छोड़ के, आसाम की जो पावर है मोस्टली गवर्नर के पास रहते हैं, कोई लॉ सेंट्रल का लगाना है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लॉ बना रही है, अगर उसे इन डिस्ट्रिक्ट में लगाना है, ठीक है ना, तो आसाम में तो गवर्नर की पावर्स है, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या थोड़ा उसमें से मतलब कि हटा भी सकते हैं उस लॉ को, तो वो गवर्नर की मदद से कर सकते हैं। बट 3 स्टेट जो हैं आपकी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो मैंने अलग से लिखा है गवर्नर। अब आता है 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल क्या बोलता है, अदर देन 4, इनसे अलग कहीं ट्राइबल और शेड्यूल एरिया होगा, अदर देन 4, ये 4 को छोड़ के, तो उसके बाद किस में आएगा, वो आएगा 5th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में जैसे आर्टिकल 244(1) या आर्टिकल 244(2) था, और इसमें 10 स्टेट आते हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये आपको कंप्रोमाइज़ आपको करना है, किस में कौन सी है, किस में कौन सी है, किस में कौन सी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और इसमें होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर रहती है डिक्लेयर करने की एरिया को, शेड्यूल एरिया, इसमें किसके पास पावर रहती है, प्रेसिडेंट के पास, वो किसी को भी, यूपी को भी ऐड कर सकता है इसमें, अगर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। पर ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बनाई गई है, मतलब कि ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है। कमेटी कौन सी थी आपकी, बाढ़ दो लाई कमेटी थी। फिर कंसल्ट गवर्नर करता है प्रेसिडेंट से, अगर अल्टर करनी है बाउंड्री, मतलब कि गवर्नर कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट से, मतलब प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करेंगे कि हमें अल्टर करना है, मतलब बाउंड्री को बढ़ाना है, एरिया की कम करनी है, ट्राइबल एरिया की है आपकी, उसको बढ़ाना, वो प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर रिपोर्ट एनुअली करता है, प्रेसिडेंट को एनुअली रिपोर्ट भेजता है कि कैसा काम हो रहा है एरिया में, ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल एरिया में कैसा काम हो रहा है, तो गवर्नर किसको भेजता है, प्रेसिडेंट को। ये 20 मेंबर की होती है, और 3/4 जो मेंबर आपके ट्राइबली, जो ट्राइबल है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 20 मेंबर है उसमें से 3/4 जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स एरिया, उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। गवर्नर कैन रिपील एनी रेगुलेशन एसेंट बाय द प्रेसिडेंट, अगर गवर्नर कोई चीज़ रेगुलेशन हटानी है, रिपील करनी है, तो प्रेसिडेंट के एसेंट से हटा सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, अल्टर करने की, कंसल्ट करने की, सब पावर है, पर एक पावर गवर्नर को दी गई है। गवर्नर जो लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली कोई लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाती है, उसको इम्प्लाइज कर सकता है गवर्नर, ठीक है ना। गवर्नर कह सकता है ये ऐसे इम्प्लाई करो,
इन स्टेट के अंदर, मतलब इनके जो एरिया हैं, इनके भी एरिया के अंदर जो आपके ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, ठीक है ना। ये पूरे पार्ट में नहीं होता, पूरे राजस्थान में नहीं होगा, पूरे गुजरात में, तो उसके अंदर जगह होती है जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन होती है अदर देन 4-6 शेड्यूल से जो अलग स्टेट है। तो इसमें 10 हैं, इसमें 4 हैं, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है ऐसा, ये बता रहा, देखो नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, उसके बाद ये एक्ट से बनाया है, फिर इन द लाइन परमिट है, ये भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है ना। उसके बाद आपका म्यूनिसिपैलिटी शेड्यूल में है, ये 12th में, ये 11th में। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो होती है SCS, ये नो प्रोविजन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका गडगिल फार्मूला से लेके आए थे, गाइडलाइंस थी कुछ गेटिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेट को देने की, जो गरीब स्टेट है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली स्टेट है, हिल और चैलेंजेड ट्राइन है, जो हिल पे बनी हुई है, खाने के लिए नहीं, चैलेंजेस उनके ट्राइन है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है उनकी, ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें, बॉर्डरिंग टच स्टेट है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बेनिफिट देती है 90-10। आपने सुना होगा गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट के पास इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, सेंट्रल फंड होता है स्पेशली उनके लिए। और ये कहा गया है कि 30% जो सेंट्रल का बजट होगा वो स्पेशली उन स्टेट के लिए होगा जो इसमें आती है। उसके बाद डेप्थ रिलीफ दी जाएंगे, ना कोई कर्जा है तो उसके लिए रिलीफ फंड जारी होगा, टैक्स कंसेंसस दिए जाएंगे, किसी को इंडस्ट्री लगानी है वहाँ पे तो टैक्स में कंसेंसस दिया जाएगा, ये सब, और अदर टैक्स में भी दिया जाएगा। जो पहली स्टेट थी इसमें पहले कौन कौन सी थी, इसमें कौन सी थी, जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड। 8 मोर इसमें ऐड की कर दी गई हैं, शायद ही कट गया है नीचे, इसमें 8 मोर और ऐड कर दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिखना है तो अब लिख सकते हो। 8 कौन कौन सी है इसमें, एक है इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आएगी हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आएगी मणिपुर, और उसके बाद आएगी मेघालय, उसके बाद आएगी मिजोरम, उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा, और 2010 में उत्तराखंड को 11वीं स्टेट बनाया गया, मतलब कि तो इसमें 11 स्टेट है, 3 तो मैंने बता दी, 8 आप लिख लेना आपकी, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, और 2010 में लास्ट उत्तराखंड ऐड कर दी गई। तो देख लो सब में हिमालय एक तरह से आते हैं, बॉर्डरिंग टच भी स्टेट है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसमें किया जाता है। अब मैं आपको नीचे लोकेशन दिखा देता हूँ, ये जो ब्लू वाला जितना भी एरिया है इनर लाइन परमिट एरिया है। अब MATM कौन सा है, मेघालय, MA आसाम, TE त्रिपुरा, और M मिजोरम। तो मिजोरम ऐसा है जो आपका 6th शेड्यूल में भी आता है और आपका किस में भी आता है, इनर लाइन परमिट में भी आता है, क्योंकि नीचे जो एरिया दिखाया गया है ना ये एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है ना, एडवाइजरी काउंसिल है किसकी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सॉरी, जो 6th शेड्यूल में आती है, तो ये भी इसमें ऐड है ये भी। तो देखो इसमें अरुणाचल प्रदेश एंटायरली आता है IPL में, इनर लाइन परमिट है, नागालैंड पूरा आता है, त्रिपुरा 6th शेड्यूल कवरिंग 70 ज्योग्राफिकल स्टेट, मतलब जो 70% जो एरिया है 6th शेड्यूल में आता है ज्योग्राफिकल एरिया इसका, क्योंकि एडवाइजरी मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पूरी स्टेट में नहीं होती, जहाँ पर ट्राइबल्स है वहीं पर। तो मेघालय की ऑलमोस्ट एंटायर स्टेट कवर इन द 6th शेड्यूल एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ शिलोंग, देखो थोड़ा सा शिलोंग का पार्ट होगा ये बच रहा होगा, वरना पूरी स्टेट आती है। उसके बाद है आसाम की 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है अंडर 6th शेड्यूल, वो हम बताऊंगा कौन कौन सी, मणिपुर पूरा आता है इन लाइन परमिट में, इवन इसकी जो इस मतलब की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो भी पूरी आती है। फिर नीचे आ जाते हैं, मैं आपको बताऊं 6th शेड्यूल में कौन कौन सी है, मेघालय आता है, उसमें कौन कौन सी जगह है? आपका खांसी हिल्स हो गए, जयंतिया हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ग्यारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो मिजोरम, चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लाई है, इनके नाम याद रखना, मैच द फॉलोइंग पूछा, लाई कहाँ पे, मिजोरम में, फिर मारा कहाँ पे है, ये आपकी ये भी है मिजोरम में, तो आपको लाई, मारा, चकमा, लाई मार के चकमा हो गया, ऐसे याद रख लो। फिर त्रिपुरा की त्रिपुरा नाम पे ही है, आसाम की आपकी धीमा, आपकी खारबी और बोडोलैंड, ये सारी किस्में आती हैं 6th शेड्यूल की हैं, जो मैंने बताया ना आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये इसकी हैं, और मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया सारी में, डिफरेंस क्या है चीज़ों में, इन द लाइन परमिट में कौन सी आती है, म्यूनिसिपैलिटी में कौन कौन से एरिया बाहर रखे गए हैं, पंचायती राज में कौन कौन से रखे गए, इन द लाइन परमिट में क्या है, और 6th शेड्यूल में क्या है, कि ये 4 स्टेट आती हैं, जो 3 हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका पावर होती है प्रेसिडेंट के पास और इसकी पावर होती है गवर्नर के पास, तो आपको ये भी याद रखना है। 30 मेंबर होते हैं हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, 4 गवर्नर करता है और 24 उसमें इलेक्टेड होके बनते हैं, इम्पावर सारी पावर होती हैं उनके पास अपनी फॉरेस्ट से रिलेटेड, कल्टिवेशन से सारी। इसमें 10 आती हैं और इसमें से जो हैं जो बची हुई हैं सारी
जी जो इसमें नहीं आते वो सारे इसमें आते हैं, ट्राइबल्स एरिया, शेड्यूल्स एरिया, इनके सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, एक्सेप्ट एक जो गवर्नर क्या कर सकता है, सेंट्रल और स्टेट के लोग को एम्प्लाइज मतलब कि वहाँ पे लागू करना है नहीं करना वो गवर्नर देखता है, और सारी पावर किसके बाद प्रेसिडेंट के पास होती है चीज़ों को देखने की। फिर उसके स्पेशल कैटेगरी ये कहीं पे नहीं लिखा है, फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशन करती है इन स्टेट को, कुछ गाइडलाइंस हैं इनको चेक करके स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, कुछ ये बेनिफिट है। इसमें तीन तो पहले ही फर्स्ट टाइम तो इसमें तीन ही स्टेट थी, आठ मोर ऐड की है जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।